आइए। सो हम लोग कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे, राइट? हम लोग कॉस्ट का प्रॉफिट को अकाउंट्स वाले प्रॉफिट के साथ रिकंसाइल कर रहे हैं। सो टुडे वी विल बी डूइंग मोर सम्स ऑन दैट, राइट? लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। आप लोग पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। फाइनेंशियल पीएल कब बनाते हैं? एंड ऑफ द ईयर, राइट? फाइनेंशियल पीएल बना हुआ है, फाइनेंशियल पीएल एंड ऑफ द ईयर बना हुआ है। अपने कॉस्ट शीट एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं। कॉस्ट शीट के लिए अपने को कॉस्टिंग वाला डाटा चाहिए, बिगनिंग वाला, और एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल चाहिए। तो कॉस्ट शीट से हमारा वुड बी प्रॉफिट आएगा और फाइनेंशियल पीएल में एक्चुअल प्रॉफिट है। ये वुड बी प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट के साथ रिकंसाइल करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फर्म फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड from the financial accounts of manufacturing firm for the first year of its operation, right? Direct material consumption दे दिया, direct wages दे दिया, factory overhead, administrative, ये सब financial वाला दिया हुआ है, right? Cost accounts for the same period reveal वो नीचे दिया हुआ है। तो पहले अपन को usually financial PL बना के देता है, but यहाँ पे पैराग्राफ फॉर्म में दिया है तो उसको पीएल का शेप दे देते हैं। तो सबसे पहले अपने को बनाना है फाइनेंशियल पीएल। लास्ट वाला स्विच ऑन करना पड़ेगा। टू डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन पचास लाख, डायरेक्ट वेजेस 30 लाख, फैक्ट्री ओवरहेड 16 लाख, ज्यादा हो गया 1-0, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 7 लाख, सब लाइन से सारा खर्चा दिया हुआ है, सेलिंग ओवरहेड 9,60,000, बैड डेप्ट 80,000, टू प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस 40,000,
टू लीगल चार्जेस 10,000। ये बैड डेट, प्रेलिमिनरी और लीगल चार्जेस, ये खाली फाइनेंशियल में मिलेगा, ये सब कॉस्ट में नहीं मिलता है। बाय डिविडेंड रिसीव्ड 1,00,000, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड 20,000। बाय सेल्स 1,20,00,000। क्लोजिंग स्टॉक में फिनिश गुड्स दिया हुआ है, तीन लाख बीस हजार। WIP दिया हुआ है 2,40,000। डन। टू नेट प्रॉफिट 1,29,19,20,000 ना। ट्वेल्व लैख 90,000। ठीक है, तो ये मेरा फाइनेंशियल पीएल बन चुका है। इसमें कुछ किया नहीं हमने, एक्सपेंस को डेबिट साइड में लिख दिया। इनकम को क्रेडिट में लिख दिया।
डन। अब कॉस्ट शीट बनाएंगे हम लोग। ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इक्वल्स टू सोल्ड। ओपनिंग जीरो है, ये 4000, ये 1,20,000, तो प्रोडक्शन आ रहा है 1,24,000 यूनिट। प्रोडक्शन 1,24,000 यूनिट, सेल है done. आप नीचे लिखा है कॉस्ट अकाउंट्स फॉर द सेम पीरियड रिवील, डायरेक्ट मेटल कंजम्पशन कॉस्ट का अलग से दे दिया है। ₹56 लाख वेजेस नहीं दिया हुआ है कॉस्ट वाला, तो अकाउंट से उठा लेंगे। प्राइम कॉस्ट 86 लाख, मटेरियल हम लोग को दे दिया है कॉस्ट वाला, डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन दे दिया कॉस्ट अकाउंट्स रिवील में। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस केस ऐसा है जिसमें ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होता, बट सर यहां पे फ्लक्चुएशन दिख रहा है, बहुत सारा रीजन हो सकता है। आज मेरा ये मेरा वुड भी है ना, और एक्चुअल कम है, हो सकता है मेरा इनपुट कंजम्पशन कम हुआ हो सकता है मेरा परचेज प्राइस गिर गया हो, जो भी रीजन हो सकता है। तो कॉस्ट में ज्यादा दिखाया हुआ है, वुड बी कॉस्ट 56 है, एक्चुअल 50 है। फैक्ट्री ओवरहेड ट्वेंटी परसेंट ऑफ 86 लाख बोलो, प्लस माइनस WIP एडजस्टमेंट। अकाउंट्स में जो क्लोजिंग WIP मानेंगे वो कॉस्ट से ही लिया गया है, क्योंकि अकाउंट्स में हम लोग WIP वैल्यूएशन नहीं सीखे हैं, कॉस्ट में प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर में सीखे हैं। तो ओपनिंग WIP तो है नहीं, क्लोजिंग WIP कितना है, फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ रहा है, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड चार्ज्ड एब्सॉर्ब्ड रिकवर्ड एक ही चीज है सब, 6 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन 1,24 हुआ है, कितना हुआ,
7,44,000 कितना 1,08,24,000 यहां पे क्लोजिंग का लफड़ा नहीं है, ओपनिंग तो है नहीं, तो जो भी क्लोजिंग बचा है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ही बचा हुआ है। जब एक ही लॉट हो, एवरेज लगाओ, फीफो लगाओ, लिफो लगाओ, वेटेड लगाओ, आंसर सेम आएगा। थ्री फोर नाइन वन सिक्स वन। COGS वन जीरो 474। सेलिंग ओवरहेड कितना है? 8 रुपया पर यूनिट सोल्ड। अब यूनिट सोल्ड है 120। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आया था 1,24,000 का, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर वाला चीज है। सेलिंग ओवरहेड आएगा 1,24,000 का नहीं, 1,20,000 का आएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,14,348 5,651 ये प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आ गया। डन, मिटा दे।
आया ही नहीं। इज इट फाइन? हाँ हो गया तो प्रॉफिट। तुम लोग अपना मन में करो, डिस्कस मत करो। फाइव सिक्स फाइव वन सिक्स वन। क्या हुआ हर्षिता, मना कर दिए? बस समझ में नहीं आ रहा है। डायरेक्ट वेजेस, सॉरी डायरेक्ट मटेरियल, कॉस्ट में 56 लाख, फाइनेंशियल में 50 लाख, यस और नो? तो कॉस्ट वाला को चार्ज बोलते हैं, वही रिकवर्ड है। तो कॉस्ट में 56, अकाउंट्स में 50, ओवरचार्ज और अंडरचार्ज। ओवरचार्ज मतलब ओवर रिकवर्ड इनकम है ना, प्लस होगा ओवर रिकवरी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 6 लाख। वेजेस सेम है, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट में 17 लाख 20 और अकाउंट्स में 16 लाख। कॉस्ट शीट में 17 लाख 20 है और अकाउंट्स में 16 लाख। अगेन ओवर रिकवरी, फैक्ट्री ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, WIP दोनों में सेम है, कितना है कॉस्ट में? कितना है? 744 और अकाउंट्स में? अगेन ओवर रिकवरी, सेलिंग ओवरहेड कॉस्ट में 960 है, अकाउंट्स में? अकाउंट्स में भी 960 है, कॉस्ट में भी 960, सेम, कोई अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 349161 और फाइनेंशियल में 3 लाख। तो ओवर वैल्यूड है ना, 29161। इसको कम करेंगे तो प्रॉफिट भी कम होगा, लेस में आएगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट, कॉस्ट
कॉश में 349161, अकाउंट्स में 320, तो कॉश में ओवर वैल्यूड है। जिससे स्टार्ट कर रहे हैं उसी का पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। सो कॉश में ओवर वैल्यूड है, हाँ या ना? तो कॉश में कम करेंगे, प्रॉफिट भी कम होगा। डायरेक्ट रिलेशन है, स्टॉक का वैल्यू कम करने से प्रॉफिट कम होता है। स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग में उल्टा होगा। इसके अलावा इनकम्स नॉट कंसिडर्ड इन कॉस्ट, डिविडेंड और इंटरेस्ट मिला के 1,20,000 आ रहा है। और एक्सपेंसेस नॉट कंसिडर्ड इन कॉस्ट मिला के 130 आ रहा है सारा एक्सपेंसेस। चेक करो, आना चाहिए। क्या हुआ? ठीक है, तो अभी हम लोग को फाइनेंशियल पीएल, कॉस्ट शीट और फिर रिकंसिलिएशन। एग्जाम में काफी सारा सम्स ऐसा आएगा जिसमें डायरेक्ट रिकंसिलिएशन बनाना होगा। मतलब वो लोग बता देगा कौन सा अंडर रिकवरी है, कौन सा ओवर रिकवरी है। समटाइम्स दे विल गिव ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसको कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे अगर ऐसे लिखता है क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड इन फाइनेंशियल, तो अपने को वैसे करने से नहीं चलेगा, अपने को ऊपर में हमेशा कॉस्ट रखना है। तो कोई भी चीज अगर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ तो उसको ऑटोमेटिकली हम लोग कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सम्स को स्टार्ट करेंगे। राइट? जितना भी अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी वर्ड यूज करेगा मतलब वो कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। लेकिन ये स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन दे कैन गिव इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो उसको अगर ओवर वैल्यूड है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो कॉस्ट अकाउंटिंग में अंडर वैल्यूड होगा, उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करेंगे। राइट? क्वेश्चन नंबर 10,
हमेशा हैव द हैबिट ऑफ डूइंग इट लाइक दिस. फॉर्मेट बना लिया, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक्स. अब सम को पढ़ेंगे. इस टाइप का सम्स में पहले फॉर्मेट, उसके बाद सम रीड करना चालू करेंगे. पढ़ लीजिए सम को. सम को रीड करिए, बता रहा हूं. मैसेज एच के पियानो कंपनी शोड अ नेट लॉस ऑफ 4,16,000 एज पर फाइनेंशियल. तो 4,16,000 नेगेटिव दिखा देंगे यहां पे, एंड कॉस्ट में नेट लॉस है 3,28,000. सोचेंगे वैसे ही, बस खाली पॉजिटिव की जगह नेगेटिव फिगर लिखेंगे. फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, हमेशा यह कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ही दिया हुआ है. रिकवरी वर्ड किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते, कॉस्ट, चार्ज्ड कॉस्ट, एब्जॉर्ब्ड कॉस्ट. कॉस्ट में इतना डाला, अकाउंट्स में ज्यादा है, इसलिए अंडर बोल रहा है. अंडर चार्ज, अंडर रिकवर्ड. लॉस होगा, फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड कितना. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ओवर रिकवर्ड डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंस 120, डेप्रिसिएशन रिकवर्ड इन कॉस्ट इज 130. माय डियर फ्रेंड्स, कॉस्ट में 130 है, मतलब कस्टमर को चार्ज कितना किया 130, लेकिन एक्चुअल कितना है, अंडर रिकवर्ड और ओवर रिकवर्ड
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट. इनकम नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट 20,000. इनकम टैक्स प्रोवाइडेड, ये ऐसा खर्चा है जो कॉस्ट में कंसिडर. एक्सपेंसेस नॉट कंसिडर्ड इन कॉस्ट 20,000. और स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिट इन फाइनेंशियल, मतलब दोनों इनकम है. क्रेडिट मतलब इनकम है ना. आइटम्स नॉट कंसिडर्ड इन कॉस्ट 2 और 2 4,000. हो गई मैच, हो गया क्या. हमेशा कैलकुलेटर में -328 से स्टार्ट करना. फाइनेंशियल में क्रेडिट है मतलब कॉस्ट में कंसीडर नहीं हुआ ना. लिखा ना क्रेडिट इन फाइनेंशियल मतलब कॉस्ट में कंसीडर. तो आइटम नॉट कंसीडर्ड इन कॉस्ट -328 से स्टार्ट करो, फिर ये सब प्लस करेंगे और ये दोनों माइनस करेंगे. -328 फिर +4,000 +10,000 +20,000 +4,000 -6,000 -1,20,000. तो -4,16,000 आ गया. इज इट फाइन. आप लोग स्टार्ट करिए क्वेश्चन 14. सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है, हमने मैं नहीं करके दूंगा. स्टार्ट 14 सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम.